Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I am Feroz Shah, and we are going to start the discussion of QCA test 18th October 2020. Let us start the first objective of Physics 141. Question number one, physics question number one, physics portion question number one says, isolating body is moving with speed v. After time t, the change in its momentum will be. देखिए टाइम आपको मिला है टी सेकेंड, आपसे मांग रहे हैं कि चेंज इन मोमेंटम क्या है और कह रहे हैं कि बॉडी का स्पीड वी है. इनका कोई मीनिंग नहीं है इस क्वेश्चन का. क्वेश्चन का बेसिक लॉजिक आइसोलेटेड पे है. जब इन्होंने कहा कि बॉडी आइसोलेटेड है तो आइसोलेटेड बॉडी मीन के इस पर नेट फोर्स ज़ीरो होगा, और जहाँ नेट फोर्स ज़ीरो होता है वहाँ मोमेंटम में चेंज नहीं आता, लिहाजा चेंज इन मोमेंटम ज़ीरो रहेगा. ये क्वेश्चन नंबर वन का आंसर है, चेंज इन मोमेंटम विल बी ज़ीरो एंड हेंस ऑप्शन सी इज करेक्ट. सेकेंड क्वेश्चन ऑफ द पेपर, टू ब्लॉक्स 3 kg एंड 4 kg आर कनेक्टेड एंड एक्टेड बाय अ फोर्स एफ. ओके, कहते हैं इनमें क्या सेम होगा. क्वेश्चन नंबर टू कुछ इस तरह से है कि एक ब्लॉक है 3 kg का, एक ब्लॉक है 4 kg का, इस पर एक फोर्स एफ लग रहा है, तो बताओ इन बॉडीज का कौन सी क्वांटिटी सेम होगी. पहला क्वांटिटी इन्होंने लिखा है कि सेम फोर्स होगा. भाई सेम फोर्स तो नहीं होगा, क्यों? क्योंकि जो मास कम है वो कम फोर्स इंटरटेन करेगा और जो मास ज़्यादा है वो ज़्यादा फोर्स इंटरटेन करेगा. अब जानते हैं कि फोर्स और मास का डायरेक्ट रिलेशन है, ज़्यादा मास ज़्यादा फोर्स डिमांड करता है और कम मास कम फोर्स डिमांड करता है, तो ऑप्शन ए तो गलत है. सेम एक्सेलरेशन है, क्यों? क्योंकि ये कनेक्टेड बॉडीज़ हैं और कनेक्टेड बॉडीज सेम मोशन करते हैं और सेम मोशन या सिंगल मोशन में सेम एक्सेलरेशन होता है. हिंस ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, देर इज़ सेम एक्सेलरेशन बिकॉज द बॉडीज आर कनेक्टेड, बिकॉज द बॉडीज आर कनेक्टेड. क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर थ्री क्या है? एट द समिट द करेक्ट ऑप्शन इज़, कहते हैं कि फ़र्ज़ कीजिएगा प्रोजेक्टाइल समिट तक पहुँच जाए. ये एक प्रोजेक्टाइल है, अगर ये समिट पर पहुंच जाए तो इस समिट के लिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा है. व्हाट इज़ द करेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑन समिट फॉर अ प्रोजेक्टाइल. पहला ऑप्शन है एक्सेलरेशन ज़ीरो, तो जनाब एक्सेलरेशन ऑप्शन ए एक्सेलरेशन ज़ीरो ये गलत है. क्यों गलत है? क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड में मोशन के दौरान एक्सेलरेशन कभी ज़ीरो नहीं होता. चूँकि प्रोजेक्टाइल इज़ मोशन अंडर ग्रेविटी, इट इज़ मोशन अंडर ग्रेविटी, इसीलिए हर पॉइंट पर जो एक्सेलरेशन है दैट विल बी इक्वल टू जी. ए इफ प्रोजेक्टाइल इज मोशन अंडर ग्रेविटी देन, इफ प्रोजेक्टाइल इज मोशन अंडर ग्रेविटी देन एक्सेलरेशन इज ऑलवेज इक्वल टू जी एंड हिंस द करेक्ट आंसर इज ए इज इक्वल टू जी. ऑप्शन है इसमें सी. थर्ड नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन सी करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर फोर, एंड क्वेश्चन नंबर फोर इज दैट इज अ प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड विद 10 m/s एट 30° विद एक्स एक्सिस द टाइम टू समिट विल बी. क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल 10 s है और इन्होंने कहा है कि 30° के एंगल पे प्रोजेक्ट हुआ है, बताओ कि टाइम टू समिट क्या होगा. व्हाट विल बी द टाइम टू समिट. द टाइम टू समिट इज वी आई साइन थीटा डिवाइड बाई जी. द आंसर इज 10 साइन ऑफ 30° डिवाइड बाई 10, 10 एंड 10 कैंसल एंड साइन ऑफ 30 इज 0.5. लिहाजा ऑप्शन ए ठीक है. क्वेश्चन नंबर फोर में ऑप्शन ए ठीक है एंड द आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज 0.5 s. 0.5 s इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर फाइव सेज दैट अ बॉडी एक्सेलरेटिंग डाउन द चेंज इन वेट विल बी. जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली है वो ये है कि एक्सेलरेटिंग मोशन है. एक्सेलरेटिंग मीन एक्सेलरेशन इज नॉट ज़ीरो. डायरेक्शन डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड मोशन है, और आपसे कह रहे हैं कि चेंज इन वेट क्या होगा. चेंज इन वेट हकीकत में होता क्या है? डिफरेंस इन अपेरेंट वेट एंड रियल वेट. ये बात याद रखें कि एक्सेलरेटिंग मोशन में चेंज इन वेट हमेशा होता है एम ए के इक्वल. अगर अपवर्ड होगा
तो इंक्रीज ऑफ एम ए, और अगर डाउनवर्ड होगा तो डिक्रीज ऑफ एम ए. लेकिन एक्सेलरेटिंग मोशन में हमेशा चेंज एम इंटू ए होता है. व्हेन अ बॉडी इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड, इंक्रीज ऑफ एम ए विल बी देयर, एंड व्हेन अ बॉडी इज एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड, डिक्रीज ऑफ एम ए विल बी देयर. हिंस द चेंज इन वेट, एनी डिफरेंस बिटवीन अपेरेंट एंड रियल वेट इज एम ए. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट है जनाब सिक्स नंबर, क्वेश्चन नंबर सिक्स. इट सेज 10 केजी एंड 5 केजी मूविंग विद सेम स्पीड वी टूवर्ड्स ईच अदर, द रिलेटिव स्पीड विल बी. क्वेश्चन नंबर सिक्स मीन के 10 केजी की एक बॉडी है, वो स्पीड वी से जा रही है, और 5 केजी की एक बॉडी है, वो भी स्पीड वी से आ रही है. दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी? तो सिंपल बात ये है, जहां दोनों बॉडीज अलग अलग काम करना चाहें तो फिर रिलेटिव के लिए सब्ट्रैक्शन करोगे. यानी एक बॉडी आगे जा रही है, दूसरा पीछे आ रही है, तो फिर सब्ट्रैक्शन होगा. ये इस तरफ जाए, ये पीछे आए, सब्ट्रैक्शन होगा. अगर दोनों बॉडीज एक काम करें तो फिर एडिशन होगा. या दोनों करीब आ रही हों तो एडिशन, या दोनों दूर जा रही हों तो एडिशन. चूंकि यहाँ दोनों बॉडीज करीब आ रही हैं, एज दे आर सेम एक्टिव, या इनकी सेम एक्टिविटी है, द एक्टिविटी ऑफ बोथ द बॉडीज इज सेम, देयर फॉर द रिलेटिव स्पीड विल बी द एडिशन v plus v, and hence the answer is 2 times of v. Or question number 6 mein answer hai b. Question number 7 ye kya hai ke force on a body is acting uniformly, then acceleration kya hoga? Bhai ek hi logic hai, f is equal to ma. Is equation se Newton saab kehte hain ke jaisa force bilkul waisa acceleration. No force, no acceleration, zyada force, zyada acceleration, कम फोर्स कम एक्सेलरेशन, चेंज इन फोर्स चेंजिंग एक्सेलरेशन, कॉन्स्टेंट फोर्स कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन. सो देयरफॉर इफ अ बॉडी इज एक्टेड बाय अ कॉन्स्टेंट फोर्स, इट्स एक्सेलरेशन विल बी कॉन्स्टेंट, और हिंस द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी विल बी कॉन्स्टेंट. लेट अस एंटरटेन क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ द पेपर, और इसमें ऑप्शन होगा बी. कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन मीन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ऑप्शन बी ठीक है. क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं. It says that what is the dimension of P by 2m? P by 2m का dimension क्या होगा? यहाँ student गलती कर लेते हैं, उनके mind में energy आती है. दरअसल P by 2m energy नहीं, P square by 2m energy है. तो अगर P पर square होता तो energy होता. अब पता नहीं क्या है, solve कर लेते हैं. Solve करना आसान है, ना कि units में जाओ, cancellation करो, direct momentum की value put करो mv. तो देखो 2m, m और m cancel. 2 का डायमेंशन नहीं होता, इट मीन द डायमेंशन ऑफ पी बाई टू एम रिप्रेजेंट्स स्पीड. द डायमेंशन ऑफ पी बाई टू एम रिप्रेजेंट्स स्पीड, एंड द आंसर करेक्ट इज ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन को डील करते हैं. एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन, ओके, द फोर्स विल बी. इत्तेफाकन देखो यहाँ भी डिस्कस हुआ कि अगर जैसा फोर्स वैसा एक्सेलरेशन, तो अगर आप लोगों को जैसा एक्सेलरेशन मिल जाए बॉडी में, समझो उस पर वैसा ही फोर्स लग रहा है. इफ़ एक्सेलरेशन इज कॉन्स्टेंट, इफ एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज डिक्लेयर्ड एज कॉन्स्टेंट, दिस इम्प्लाइज दैट द फोर्स एक्टिंग ऑन इट, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट मस्ट बी कॉन्स्टेंट, बिकॉज जैसा फोर्स होता है वैसा ही एक्सेलरेशन पैदा करता है. ऑप्शन होगा इसमें, द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज कॉन्स्टेंट, ऑप्शन ए सही है. एंटरटेन करते हैं क्वेश्चन नंबर 10. The study of projectile is called ballistics. Everyone knows ballistics is the correct answer. Hence, option D correct hai. Question number 11. A body is moving with constant speed. Then, constant speeds pe average or instantaneous aapis mein equal hote hain. Lehaza, instantaneous speed is equal to average speed during constant motion. Isme bhi option B hi theek hai. क्वेश्चन नंबर 11 हो गया. क्वेश्चन नंबर 12, ड्यूरिंग फ्री फॉल द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फॉर 2 केजी बॉडी इज. फ्री फॉल का मतलब ये है कि नेट फोर्स इज इक्वल टू वेट.
जब भी बॉडी पर नेट फोर्स वेट की इक्वल हो तो समझो वो फ्री फॉल कर रही है। अब इन्होंने कहा फ्री फॉल है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इसे कहते हैं, चूंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम नेट फोर्स के बराबर है, बट बिकॉज ऑफ फ्री फॉल वी कैन से दैट नेट फोर्स इज इक्वल टू वेट एंड वेट इज एम जी, देयर फॉर 2 × 9.8 एंड द करेक्ट आंसर इज 19.6 यूनिट्स। इट्स द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 सेज के अ प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड विद 1 m/s एट 60 degrees द वेलासिटी एट 7:12 बी। देखो समिट पर वेलासिटी मांग रहे हैं। हम जानते हैं कि समिट पर जो वेलासिटी होती है वो सिर्फ एक्स कंपोनेंट के बराबर होती है, क्योंकि जब प्रोजेक्टाइल समिट तक पहुंचता है तो वाई कंपोनेंट ऑफ वेलासिटी जीरो हो जाती है और सिर्फ एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलासिटी बाकी रहता है। सो वेलासिटी ऑन समिट इज इक्वल टू द एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलासिटी। एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलासिटी इज वी कॉस ऑफ थीटा। वी जो है 1 है और कॉस ऑफ 60 जो है वो 0.5 बनता है। और हाँ, तो जनाब द आंसर इज 0.5 m/s एंड द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज व्हाट इट इज, इट इज 0.5। क्वेश्चन नंबर 13 में ऑप्शन ए आता है। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या आएगा, एन इक्वेशन डिराइव्ड फॉर अ मूविंग बॉडी इज दिस वन, व्हाट इज एक्सेलरेशन। जनाब इक्वेशन आया है 100 इज इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ टी प्लस 50 टाइम्स ऑफ टी स्क्वेयर। इस इक्वेशन से आप एक्सेलरेशन मालूम करो कि एक्सेलरेशन कितना होगा। आपको इसको कंपेयर करना पड़ेगा विद स्टैंडर्ड इक्वेशन, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 a t². तो 100 रिप्लेस एस, इक्वल रिप्लेस इक्वल, 10 रिप्लेस वी आई, टी रिप्लेस टी प्लस रिप्लेस प्लस, टी स्क्वेयर रिप्लेस टी स्क्वेयर। इट मीन रिप्लेसमेंट एंड कंपेरिजन इम्प्लाइज दैट फ्रॉम द गिवन सेलेक्टेड इक्वेशन 1/2 ऑफ ए विल बी इक्वल टू 50, देयर फॉर ए इज इक्वल टू 100 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर 15, वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 15 इन द टेस्ट एंड दैट इज ML0T-2, ये किस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो जनाब इट रिप्रेजेंट स्प्रिंग कॉन्स्टेंट, इट रिप्रेजेंट स्प्रिंग कॉन्स्टेंट बिकॉज के इज इक्वल टू F/x न्यूटन पर मीटर, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर पर मीटर, मीटर मीटर कैंसल, द आंसर इज ML T-2, कैन बी रिटन एज ML0T-2। ये हमारे पास 15 नंबर का आंसर होगा स्प्रिंग कॉन्स्टेंट। लेट अस एंटरटेन दैट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा जा रहा है, 15 का जो आंसर है वो बी है, 15 में आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 सेज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन मून ऑन 1 kg बॉडी इज। तो जनाब ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन मून इज इक्वल टू mg ऑन मून। मास तो कांस्टेंट होता है और जहां पर आपने ग्रेविटेशनल फोर्स मालूम करना हो वहां पर जी की वैल्यू पुट करोगे, वैल्यूज पुट कीजिएगा, मास की जगह 1 और जी ऑन मून इज एक्चुअली g/6, इट मीन 9.8/6 एंड द करेक्ट आंसर इज 1.63। हाँ तो जनाब आंसर है ऑप्शन डी, 16 नंबर में आता है ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। क्वेश्चन नंबर 17, अ प्लैनेट ऑफ मास डबल ऑफ अर्थ मास सेम रेडियस द ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन विल बी। द करेक्ट रीजन ऑफ दिस क्वेश्चन इज जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ प्लैनेट। प्लैनेट के मास के साथ जी की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। इट मीन कि अगर प्लैनेट का मास डबल है जमीन के मास के तो इसका जी भी जमीन के जी के डबल होगा, और डबल मीन कि इट विल बी 2 times ऑफ जी। सो द करेक्ट आंसर इज 2g, ऑप्शन बी सही है, 17 में ऑप्शन बी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, किलोवाट आर इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। आप सब जानते हैं किलोवाट आर इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। ये जो बिजली का एक यूनिट होता है ये 1 kWh होता है। द एस्केप वेलोसिटी ऑन सरफेस ऑफ अर्थ डज नॉट डिपेंड अपॉन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। 19 में आता है ऑप्शन सी, दैट इज एंगल पे डिपेंड नहीं करता, थीटा पे डिपेंड नहीं करता,
क्योंकि आप जानते हैं escape velocity is 2gr, इसमें कोई angle of projection नहीं है. Question number 20, ये क्या होगा? Question number 20 says, the work done on complete triangular track in gravitational field is, भाई triangular path is a closed path, और आपने पढ़ा होगा कि closed path पर total work क्या होता है जनाब? Zero होता है, because closed path mean के displacement क्या हो गया? Zero हो गया, so when you put the value of displacement equal to zero, you will get that work done is equal to zero. Question number 21, mass of an object is small m, ठीक है? If its kinetic energy become half, then velocity will be. कहते हैं कि अगर kinetic energy half हो जाए, तो velocity, new velocity पर क्या असर पड़ेगा? इसको ऊपर solve करते हैं. क्वेश्चन नंबर 21, जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि काइनेटिक एनर्जी हाफ हो गई, तो बताएं कि इसका न्यू स्पीड कितना होगा. आसान से लॉजिक ये है कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वेयर, वी स्क्वेयर के साथ डायरेक्टली है, इसके साथ हाफ लगाना चाहिए. हम चाहते हैं कि इसके साथ हाफ आ जाए, तो वी स्क्वेयर के साथ क्या लगाना चाहिए? तो आप कहोगे सर हाफ, वन ओवर हाफ तब बनेगा जब इधर आप वन ओवर अंडर रूट टू लगाओगे, क्योंकि वन ओवर अंडर रूट टू का स्क्वेयर लोगे तो वन आएगा और टू ये कैंसिल. तो देखो हाफ कितने से बनता है. आंसर वो ठीक होगा जिससे हाफ बनेगा. हाँ, आंसर वो ठीक होगा जिससे हाफ बनेगा. लिहाजा हाफ बनता है वन ओवर अंडर रूट टू से, क्योंकि वन ओवर अंडर रूट टू वेलोसिटी पर स्क्वेयर है ना. तो जब हम इसका स्क्वायर लेंगे तो वन डिवाइड बाई टू आएगा, यानी ये हाफ बनाता है. लिहाजा अगर स्पीड या वेलोसिटी के आगे वन ओवर अंडर रूट टू आ जाए तब काइनेटिक एनर्जी हाफ हो जाती है. सो अगर ये कहे कि काइनेटिक एनर्जी हाफ हो गई, स्पीड नया कितने टाइम होगा? वन ओवर अंडर रूट टू टाइम्स ऑफ वी. ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, वी बाय अंडर रूट टू. ऑप्शन बी ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 22, क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इट सेज? It says that the percent increase in speed of a body is 100%. If the initial value was 50, new value क्या होगी? भाई initial speed हमारे पास 50 है. अगर इसमें change 100% आ गया तो final speed क्या होगी? आप कहो 100% का मतलब होता है double होना. जब कोई चीज़ double हो जाए तो हम कहते हैं 100%. लिहाजा double हुआ, it means 50 था, तो अब new कितना होगा? 100 होगा, तभी हम इसको 100% कहेंगे. लिहाजा न्यू आंसर है 100 मीटर पर सेकेंड. ऑप्शन डी ठीक है. क्वेश्चन नंबर 22 ऑप्शन डी. क्वेश्चन नंबर 23, फिगर आपको दिया है, ये एक बॉडी है वन, ये स्पीड वी से इस तरफ आ रही है, ये एक बॉडी है टू, ये स्पीड वी से इस तरफ आ रही है. कहते हैं कि अगर इनके मासेस सेम हैं तो टकराने के बाद इस सेकेंड बॉडी का वेलोसिटी क्या होगी? जब मासेस सेम होते हैं तो ये वेलोसिटीज इंटरचेंज करते हैं, सब जानते हैं. सेम वेलोसिटी, सेम मासेस मीन कि इनके दरमियान स्पीड्स या वेलोसिटीज इंटरचेंज होंगे. तो इसका स्पीड या वेलोसिटी है वी राइट और ये वी लेफ्ट है, लेकिन कोलिजन के बाद ये इसकी वेलोसिटी लेगा तो टू की वेलोसिटी क्या बन जाएगी? वी राइट. बिकॉज मासेस सेम सो दे विल इंटरचेंज देयर वेलोसिटीज एंड हेंस वी राइट इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन को देखिए. अ बॉडी अंडरगोज अ चेंज इन मोमेंटम ऑफ 10 kg मीटर पर सेकेंड, इम्पल्स क्या होगा? चूंकि आप जानते हैं कि इम्पल्स चेंज इन मोमेंटम का दूसरा नाम है, लिहाजा ये भी होगा 10 न्यूटन इनटू सेकेंड. और क्वेश्चन नंबर 24 में हमारे पास आंसर होगा ऑप्शन बी. 25 क्या होगा? रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड सन इज, सूरज के गिर्द जमीन का रोटेशन यूनिफॉर्म है. क्यों यूनिफॉर्म है? क्योंकि इसमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं है, क्योंकि इसमें एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं है. आसान जजमेंट ये है, यूनिफॉर्म एंगुलर मोशन वो होता है जिसका टाइम पीरियड कांस्टेंट हो, और ज़मीन के रिवॉल्यूशन का टाइम पीरियड सूरज के गिर्द कांस्टेंट होता है. देयर फॉर द अर्थ रिवॉल्यूशन या रोटेशन अराउंड सन इज यूनिफॉर्म. ऑप्शन ए इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 26, अ बॉडी अंडरगोज अ चेंज इन मोमेंटम ऑफ 10 kg मीटर पर सेकेंड, वट विल बी, सॉरी ये 24 है. क्वेश्चन नंबर 26, A body rotating with 5 radian per second stops in 5 seconds, the number of turns will be. तो बताएं जनाब,
नंबर ऑफ टर्न्स क्या होंगे? आप कहोगे सर क्वेश्चन नंबर 26 में कहा है कि एक बॉडी की इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी जो है वो 5 है, 5 सेकंड गुजर गए तो रुक गया, यानी फाइनल एंगुलर वेलोसिटी 0 हो गई। बताओ कि इसके थीटा की वैल्यू क्या होगी? लेकिन रेडियन में नहीं, ये मांग रहे हैं टर्न्स में। तो जनाब इक्वेशन अप्लाई करो, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा आई टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर। इसमें वैल्यू पुट करो, थीटा ओमेगा आई जो है 5 टाइम 5 1/2 एंगुलर एक्सेलरेशन ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई बाय टी, और साथ में है टी स्क्वायर। देखिए जनाब इससे आएगा 25 प्लस 1/2 और इधर आता है 0 माइनस 5 डिवाइड बाय 5 इंटू 5 स्क्वायर, सो इट इज़ 25 प्लस माइनस 12.5। द आंसर इज 12.5। ज़्यादातर स्टूडेंट 12.5 ले लेंगे, लेकिन याद रखना ये रेडियन में होगा। द आंसर विल बी इन रेडियन। इन्होंने टर्न्स मांगे हैं, तो जब आप रेडियन को टर्न्स में कन्वर्ट करोगे सो आंसर होगा 12.5 डिवाइड बाई 2 पाई। इससे जो आंसर आता है वो गिवन ऑप्शन में नहीं है, लिहाजा द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी एंड दैट इज नन ऑफ दीज। ऑप्शन डी ठीक है एंड नन ऑफ दीज होगा। याद रखिए अगर स्टेटमेंट में रेडियन में कहा है तो ऑप्शन बी ठीक है, लेकिन अगर टर्न्स में कहा है तो फिर ऑप्शन डी आता है और ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, और क्वेश्चन नंबर 27 सेज के द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट इज, ऑप्शन ए ठीक है, ऑर्बिटल स्पीड इज इक्वल टू जी एम डिवाइड बाय आर। क्वेश्चन नंबर 28 का क्या हाल है? स्फीयर एंड सिलेंडर्स आर ऑफ सेम मास इज रेडियाई, द रेशियो ऑफ देयर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आप जानते हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिलेंडर ये 2/5 एम आर स्क्वेयर और ये 1/2 एम आर स्क्वेयर, ये दोनों कैंसिल क्योंकि उन्होंने सेम कहा। द रेशियो विल बी 2/5 एंड 2/1, इट इज 4/5। द करेक्ट आंसर इज 4:5। 29 इसमें आता है ऑप्शन ए, 28 में ऑप्शन ए, 29 को देखें। अ बॉल ऑफ मास एम स्ट्राइक्स अगेंस्ट अ वॉल विद स्पीड वी इलास्टिकली, द चेंज इन मोमेंटम विल बी। फर्ज करो ये हमारे पास सरफेस है, ये वॉल है, एक बॉल एम इनिशियल वेलोसिटी वी से जाकर दीवार से टकराकर वापस उसी स्पीड फाइनल वेलोसिटी वी से आ गया, चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? इस तरफ से जाए तो फर्ज करो माइनस, वापस आए तो फर्ज करो प्लस, कोई भी साइन दे सकते हो। चेंज इन मोमेंटम फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम एम वी एफ, इनिशियल मोमेंटम एम वी आई, एम की जगह एम, फाइनल इज वी, माइनस की जगह माइनस, एम की जगह एम और इनिशियल इज माइनस वी, इट मीन एम वी माइनस माइनस प्लस एम वी। द करेक्ट आंसर इज 2 टाइम्स ऑफ एम वी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 29 में आता है जनाब ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? इट सेज फॉर प्रोजेक्टाइल आर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ एच। कहते हैं कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा? तो याद रखिए कि इस रिलेशन में ये रेंज मैक्सिमम है और मैक्सिमम रेंज हमेशा 45 डिग्री पर होता है, लिहाजा ऑप्शन ठीक है सी। इस रिलेशन में ये रेंज मैक्सिमम रेंज को शो करता है और मैक्सिमम रेंज 45 पे होता है, लिहाजा 45 करेक्ट आंसर। ऑन सरफेस ऑफ अर्थ द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज, देखिए जनाब पोटेंशियल एनर्जी का जनरल फार्मूला है जी एम एम बाय स्मॉल आर, लेकिन जब सरफेस की बात करते हो तो स्मॉल आर बिकम कैपिटल आर, लिहाजा फॉर सरफेस इट इज जी एम एम डिवाइड बाय कैपिटल आर एंड ऑप्शन बी इज करेक्ट। बिल्कुल ऑप्शन बी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, क्वेश्चन नंबर 32 सेज द एक्सप्रेशन फॉर स्पीड ऑफ डिस्क ऑन इंक्लाइन प्लेन इज, यू हैव टू मेमोराइज इट। स्पीड ऑफ डिस्क ऑन इंक्लाइन प्लेन इज अंडर रूट 4/3 इन जी एच, इट इज़ द करेक्ट फार्मूला। टॉपिक का नाम है रोलिंग ऑफ डिस्क ऑन इंक्लाइन प्लेन। नेक्स्ट है 33, क्वेश्चन नंबर 33, अ बॉडी परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म एंगुलर मोशन, तो इसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या होगा? बाई यूनिफॉर्म एंगुलर मोशन का मतलब है
कि मोशन है उसमें चेंज नहीं है, लिहाजा मोशन होने का मतलब है कि ओमेगा कांस्टेंट है लेकिन चेंज नहीं है, सो अल्फा ज़ीरो. द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज ओमेगा कांस्टेंट अल्फा ज़ीरो, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. 34, अ फैन इज टर्न्ड ऑन, ओके, एंड इन 2 सेकेंड इट कंप्लीट्स 2 टर्न्स, द प्लेन एंगल पर सेकेंड इज. तो जनाब फैन ने 2 सेकेंड्स में 2 टर्न्स लगा दिए, इन्होंने कहा कि 1 सेकेंड में एंगल कितना बनेगा, तो 2 सेकेंड में 2 टर्न्स हैं तो 1 सेकेंड में फिर 1 टर्न होगा, और 1 टर्न का मतलब होता है 360 डिग्रीज. अप्रॉक्सीमेटली द आंसर इज 360 डिग्रीज. एंड क्वेश्चन इज 35 क्वेश्चन देखें. इफ द परसेंट इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी 44%, व्हाट विल बी द परसेंट चेंज इन मोमेंटम. तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 44% है, लिहाजा चेंज इन मोमेंटम होगा 20%. बुक का क्वेश्चन है उल्टा लिखा गया है, बुक में 20 ये दिया है तो आंसर 44 आया है. तो आपको अगर 44 काइनेटिक में दिया जाए तो इट मीन कि आंसर 20 होगा. ये वाला आप रेफरेंस के तौर पे याद रख सकते हो. 35 में जो आंसर आता है वो है बी. 36 क्वेश्चन को देखें. क्वेश्चन 36 सेज द सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑर्बिटिंग बॉडी इज. सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन का इक्वेशन वी स्क्वायर और आर भी है, आर ओमेगा स्क्वायर भी है, वी ओमेगा भी है. इट मीन ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है. When a fan is turned off, okay, it completes 20 turns in 10 seconds. What is its average angular speed? By average angular speed hota hai total theta by total t, okay? Total theta by total t. It mean aap isko answer kya doge? Aap kahoge theta is equal to 20 turns divided by t ki jagah aap loge inne 10 seconds liya hai. So solve it, isko solve kare. Aapke paas answer aa jayega. Jo bhi answer aata hai, wo select kar le. क्वेश्चन नंबर 37 मैंने आपको बताया ना कि एवरेज कहा है, तो एवरेज एंगुलर स्पीड जो है इट इज़ टोटल थीटा बाय टोटल टाइम. टोटल थीटा 20 टर्न्स है, पहले इसको चेंज कर दें. द आंसर विल बी 20 टर्न्स पर 10 सेकेंड्स. इट मीन 20 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई डिवाइड बाय 10 जो आंसर आता है दैट विल बी द करेक्ट वन. अगर आंसर नहीं आता तो आंसर होगा इसका नन ऑफ दीज. क्वेश्चन नंबर 38 लेट अस एंटरटेन क्वेश्चन नंबर 38 एंड दैट इज द वैल्यूज ऑफ फर्क एंड टार्क ड्यू टू सेंट्रीपेटल फोर्स. आप अच्छी तरह जानते हो सेंट्रीपेटल फोर्स सेंटर से पास होता है तो मोमेंट आर्म जीरो, मोमेंट आर्म जीरो तो टार्क जीरो. सेंट्रीपेटल फोर्स परपेंडिकुलर होता है तो काज 90 जीरो, और काज 90 जीरो तो वर्क जीरो, लिहाजा सेंट्रीपेटल फोर्स का टार्क भी जीरो, वर्क भी जीरो, तो जीरो जीरो विल बी द करेक्ट इन्फॉर्मेशन. जीरो जीरो इट मीन ऑप्शन ए ठीक है. क्वेश्चन नंबर 38 में ऑप्शन ए ठीक है. क्वेश्चन नंबर 39 टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेम मासेस ऑर्बिटिंग इन टू ऑर्बिट्स R1 इज इक्वल टू टाइम्स ऑफ R2. इफ दे पॉजिस सेम एंगुलर मोमेंटम व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ स्पीड्स. याद रखें ऐसे केस में रेशियो ऑफ स्पीड जो होता है वो R2/R1 के बराबर होता है. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से हमें ये रिलेशन मिलता है कि ऐसे केस में रेशियो ऑफ स्पीड्स इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेशियो ऑफ रेडियस के साथ इनवर्सली है रेशियो के साथ. इन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया है कि R1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ R2. R2 इस तरफ ले आए तो R1/R2 इज इक्वल टू 2:1. लिहाजा अगर रेडियस का रेशियो 2:1 है तो स्पीड्स का रेशियो 1:2 बन जाएगा. द करेक्ट आंसर इज 1:2, ऑप्शन बी ठीक है. लास्ट क्वेश्चन ऑफ द टेस्ट क्वेश्चन नंबर 40 नंबर क्वेश्चन में है कि 2 kg बॉडी है, सर्कल में रिवॉल्व कर रही है, 2 मीटर पर सेकेंड से रिवॉल्व कर रही है, इसका रेडियस भी 2 मीटर है, एंगुलर मोमेंटम या मोमेंट ऑफ मोमेंटम क्या होगा. L इज इक्वल टू mRv. सारी डेटा 2, 2, 2 है, इससे आता है 8, और 8 जो है वो ऑप्शन बी करेक्ट है. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. थैंक यू वेरी मच. Wish you good luck.